अभी अपनी बाइक सर्विस सेंटर आ गई और अभी देखते हैं फर्स्ट सर्विस है अपनी बाइक की। और अभी भाई मोबाइल के अंदर जो टीवीएस की ऐप होती है इसमें रजिस्टर्ड कर रहे हैं ताकि सर्विस रिकॉर्ड बना रहे बाइक का प्रॉपर। टीवीएस में या हर कंपनी में होती है चीज़ें सर्विस रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो अभी सबसे पहले होगी बाइक की वॉशिंग और फिर वॉशिंग होने के बाद जो जो चीज़ें होगी मैं आपके सामने सब कुछ मैं आपको दिखा भी दूंगा और बता भी दूंगा क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, कितना फर्क आ गया पुराने से नहीं अपाचे के अंदर, इंजन ऑयल में क्या फर्क है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे जो जो फर्क रहेगा। अभी फाइनली आ गए सर्विस कराने बाइक की और ये अपनी फर्स्ट सर्विस रहेगी और फर्स्ट वॉशिंग है बाइक की, सब कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है। और देखते हैं कि पुरानी बाइक से नई बाइक के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करी गई है सर्विस के अंदर भी। तो फर्स्ट सर्विस का पूरा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, कैसा एक्सपीरियंस है मेरा टीवीएस के साथ, सब कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर इंजन पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज इतने वीडियो के अंदर। सबसे पहले बाइक अपनी यहाँ पे जाएगी वॉशिंग के लिए, वॉशिंग ऊपर है और यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ बाइक की हालत कैसी। सबसे पहले तो यहाँ से देखो पूरी बाइक गंदी हो रखी है और ये जो मिट्टी कीचड़ है ना अंदर तक पहुँच गया बाइक के, और इधर भी सारा सब कुछ गंदा है। और ये भी देख सकते हो यहाँ से, मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ, फोकस शायद मैं भी ठीक नहीं आ रहा। तो अभी देखो यहाँ भी पूरी बाइक गंदी है यहाँ से, और चैन भी लगभग काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, ये सब कुछ गंदा है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, देखो फर्स्ट सर्विस करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कभी भी इस लापरवाही मत किया करो भाई। मैं कभी बाइक को कैसे चलाता हूँ लेकिन फर्स्ट सर्विस में कभी लापरवाही नहीं करता हूँ। और इधर भी सारी गंदी है भाई, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में क्या होता है, जो अपना इंजन ऑयल होता है ना, इंजन ऑयल और नया इंजन होता है, तो जो फर्स्ट इंजन ऑयल है वो 500 किलोमीटर पे इसलिए चेंज किया जाता है कंपनी की तरफ से, ताकि जो नए इंजन के अंदर कुछ लोहे के या फिर मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो ल्यूब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स हो जाते हैं, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं, फिर दाने मान सकते हो। तो वो क्या है, इस वजह से कंपनी रिकमेंड करते हैं कि 500 600 700 किलोमीटर पे आप सर्विस करवा लो बाइक की, और कभी भी बाइक को ज़्यादा रेव मत करा करो फर्स्ट सर्विस से पहले। भाई हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारा काम है और वीडियोस वगैरह बनानी होती है, लेकिन भाई काम तो काम होता है ना, तो करना होता है। मैं आपको ऑडोमीटर चेक करवा देता हूँ बाइक का, 850 किलोमीटर बाइक चल गई है ऑडोमीटर के अंदर, और मैं आपको बता देता हूँ उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है बाइक का। तो वैसे कंपनी रिकमेंड करती है 500 से 700 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर मैक्सिमम होता है, लेकिन अभी क्या है, हमने पहले पूछ ली थी शोरूम में फ़ोन करने के बाद कि अगर 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाए, क्योंकि बाइक थोड़ी सी बाहर गई हुई थी और राइड थोड़ी लंबी थी, इस वजह से बाइक किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गए हैं, लेकिन कंपनी वालों ने बोला था कि सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, 150 किलोमीटर कभी बाई चांस ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ज़रूरी है कि 500 से 700 के बीच में आप सर्विस करवा लो अगर आपके पास टाइम है और करवा सकते हो तो। तो अभी बाइक को भेज देते हैं सर्विस के लिए, जब बाइक वॉश होके आएगी तो उसके बाद जैसे सर्विस करेंगे तो मैं आपको पूरी सर्विस दिखा दूंगा। टकार आ गई थी बीच में, खाना खा के आया था, ठीक है। तो फिर आगे मिलते हैं। I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. अभी अपनी बाइक वॉशिंग होने के बाद बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है भाई, और देखो बिल्कुल क्लीन एकदम ना, कहीं भी कोई मिट्टी नहीं है, सब कुछ एकदम साफ हो गया। और अभी इसकी सर्विस स्टार्ट होगी, यहाँ पे नीचे रख दिया, इसमें इंजन ऑयल निकलेगा और यहाँ से बिल्कुल क्लीन है, और अभी लास्ट में इस पर पॉलिश और की जाएगी, आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। फ्रंट से ये स्क्रैच नहीं है, ये बस ऐसे निशान सा लग रहा है, कभी समझ लो कि स्क्रैच नहीं आने देता मैं अपनी बाइक पर। ये मैकेनिक है जो सर्विस कर रहे हैं बाइक की, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें इंजन ऑयल कौन सा डलेगा, इंजन ऑयल कौन सा है भाई इसमें, ट्रू सिंथेटिक 4 अल्ट्रा स्मूथ बाइक है, हाई परफॉर्मेंस इंजन 10W30। ये फुली सिंथेटिक है ना यार, एक चीज़ बता, फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, फिर इसकी सर्विस 3000 किलोमीटर पे क्यों होती है, रेडर की 5000 रुपये होती है, इसकी 5000 रुपये कराओ फिर। नहीं, मैनुअल बुक के अंदर तो दिखा रखा है कि फर्स्ट सर्विस 500 से 750 किलोमीटर और सेकंड सर्विस फिर 3000 किलोमीटर के आसपास है, और रेडर की तो 5000 रुपये थी उसके बाद, है ना। तो यार ये चीज़ तो है, पता नहीं क्यों कर रखा है कंपनी ने ऐसा कि रेडर में सेम तेल डलता है, 1200 ml इसमें से अपन 1 लीटर की डलेगा, हाँ इसमें 1 लीटर डलेगा, इसमें एमरी वगैरह आ जाती है। कभी आप पुराने इंजन ऑयल को चेक करके देखना फर्स्ट सर्विस के बाद ना, ऐसे उंगली डुबा कर बैठ के, तो वो मतलब थोड़ा खुरदरा सा फील होगा, और जो फ्रेश इंजन ऑयल होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा फील होता है। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए, ताकि आप समझ पाओ कि फर्स्ट सर्विस इतनी जल्दी क्यों करवाते हैं लोग और क्यों ज़्यादा ज़रूरी है ये।
750 किलोमीटर तक की वो होती है, 750 किलोमीटर तक आप करवा लो तो ज़्यादा बढ़िया है। मेरी कुछ 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई है, लेकिन मैंने जैसा बताया आपको बाहर चली गई थी बाइक ना, इस वजह से। और इसमें 1000 ml पेट्रोल नहीं, इंजन ऑयल डलता है लगभग 1 लीटर, ठीक है। जो वो अपना बोतल था ना वो थोड़ा बड़ा था 1.2 लीटर का, तो उसमें 1 लीटर नापा जाएगा इंजन ऑयल, ये यहाँ पे नाप रहा है। 1 लीटर डलता है अपनी अपाची 160 2V के अंदर। मैं थंबनेल लेने लग गया था और इंजन ऑयल डल गया बाइक में, अभी डाला है। थंबनेल ले रहा था भाई इंजन ऑयल डालते हुए, तो कि वीडियो के ऊपर लगा सके ना अपन, वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाने में काफ़ी ज़रूरी है। मैं बाइक का इग्निशन बंद कर देता हूँ, थंबनेल के लिए जलाया था। तो मैंने आपको इंजन ऑयल के ग्रेड दिखा दिए, वो ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा ना भाई, और एयर फिल्टर चेंज नहीं होगा अभी, है ना? एयर फिल्टर नहीं होगा अभी, 12000 रुपये एयर फिल्टर 12000 किलोमीटर चेंज होता है भाई, और ऑयल फिल्टर अपनी हर सर्विस पे चेंज होगा। बाकी देखते हैं जैसा भी आगे रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है अभी, एयर फिल्टर को क्लीन करोगे ना? हाँ, एयर फिल्टर को क्लीन करके फिर या फिर चेक करके जब दोबारा लगा देंगे एयर फिल्टर को, लेकिन एक बार खोल के चेक जरूर करेंगे। यहाँ पे ये है अपना ऑयल फिल्टर, और ये आ गया नया ऑयल फिल्टर। ₹44 का है, काफ़ी सही है यार, प्राइस बहुत सही रहती है टीवीएस और बजाज के। कंपनी बाइक बनाती थोड़ा सोचती नहीं है मैकेनिक के बारे में, वैसे सही बात है ये, वरना चीज़ों कैसे रखना चाहिए, जैसे कुछ चीज़ अगर कहीं से ऑयल निकलना है ना तो वो पार्ट्स ख़राब ना करे भाई। भाई इस ऑयल फिल्टर की हालत देखो, और एक बार इसकी, ये बिल्कुल क्लीन येलो, और ये भी बिल्कुल ऐसा ही था पहले, अभी हो गया बेचारा। अभी नया ऑयल फिल्टर लगा दिया है और इसको टाइट कर दिया जाएगा। ऑयल फिल्टर पैक हो गया, इधर अपना एयर फिल्टर है ना, यहाँ पे है अपना एयर फिल्टर। ये तो साफ ही लग रहा है वैसे, कैमरे में भी नहीं दिखाई देगा। वो टंकी के नीचे भी नहीं आके दे देते हैं उसको, ये तो साफ ही है। तो एयर फिल्टर अपना, तो ये तो बिल्कुल साफ लग रहा है, इसको तो साफ करने की जरूरत नहीं है ना। बाकी फिर भी एक बार हवा लगा देंगे उसके अंदर, और अभी इसको लगा दिया एयर फिल्टर। ये पुरानी अपाची जैसा आया करता था, मतलब अभी नहीं, आज से 4-5 साल पहले उसमें अलग था, है ना, लेकिन अभी BS6 में तो उसी में ऐसा ही आने लग गया था। 4-5 साल पहले तो एक अलग सा आता था वो फॉर्म सा। तो ये चीज़ भी पैक हो गई अपने, इसको सेट किया है गियर लीवर को थोड़ा। और एक चीज़ और बता देता हूँ आप सभी को, जैसे काफ़ी लोग शिकायत करते हैं ना गियर लीवर थोड़ा ऊपर है किसी बाइक का नीचे है, तो काफ़ी सारी बाइकों में पता है क्या होता है, यहाँ पे एडजस्टेबल का ऑप्शन होता है, एडजस्ट कर सकते हो आप इसको थोड़ा सा अप एंड डाउन, ये हो जाता है एडजस्ट कर सकते हो आप इसको। ये बोल्ट दिया जाते हैं ना, एक इधर है और एक इधर है, ये वो एक बोल्ट इधर है और एक इधर है, तो इनसे आप एडजस्ट कर सकते हो आपको कितना ऊपर करना है कितना नीचे, तो वो सब आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अभी चैन लीव करी जा रही है अपनी, मतलब कि अपनी बाइक की चैन लीव हो रही है। अपने तो कहाँ चैन लग रही है भाई, ये TVS का खुद का अपना चैन ल्यूब है। अभी एक बार बाइक को नीचे उतारेंगे फिर चेक करेंगे सारी चीज़ें। भाई और कुछ तो नहीं करना है, क्या करना है? चैन थोड़ी सी और एडजस्ट करनी है अभी, भाई वो तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा चैन को, तो एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, और ये चैन भी बदल दी है इसकी, इसमें पुरानी वाली चैन नहीं आती है, इसमें एक्सरिंग वाली चैन आती है, अब उसकी चैन अलग है, देखना। अभी देखो सर, इसमें ये चीज़ें भी साफ करनी, मतलब करनी चाहिए, बाइक कर रहा है अभी।
यहाँ पे टीवीएस में होती है चीज़ें साफ, मतलब जो ना फ्यूल कैप है ना यहाँ पे थोड़ी गंदगी जमा हो जाती है, आपने देखा होगा पुरानी बाइक में, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो गंदगी है ना फिर टाइम टू टाइम धीरे धीरे टैंक के अंदर जाने लग जाती है, इसलिए साफ़ करके लगाते हैं। इनको हवा से साफ़ किया था, अभी मैं आपको दिखाने चक्कर में कैमरा दोबारा ऑन किया है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, और यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो चैन इनके अंदर जो लोग है ना इनके अंदर थोड़ा ल्यूब या फिर ऑयल डलवा सकते हो अगर आपको नीड है तो, बाकी मुझे पसंद नहीं है, मैंने इसलिए नहीं डलवाया क्योंकि बाद में धूल चढ़ जाती है लोग के ऊपर, तो लोग और ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है, तो ज़रूरत पड़े तो ही डलवाया करो इनके अंदर, बाकी वैसे मत डलवाया करो। तो अभी चेक कर रहा है भाई सब कुछ, लाइट वगैरह, इंडिकेटर वगैरह, और भी जो जो चीज़ें हैं सब चेक करेंगे इस बार। और अभी फिर फाइनल हो गया भाई, अब बाइक सर्विस हो गई है, वॉश हो गई है अच्छे से, और अब बाहर निकालेंगे बाइक को। और मैं आपको बिल बता दूंगा, फ्री सर्विस के अंदर भी कुछ बिल तो बनता है ना, तो बिल कितने का बना है और किस चीज़ का कितना चार्ज हमें देना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें मैं अभी आपको जस्ट एक सेकेंड बाद दिखाऊँगा। तो भाई अभी भाई टेस्ट राइड लेके अपनी बाइक का, और कुछ कमी तो नहीं है, परफेक्ट है। और देखो टेस्ट राइड जरूर दिवाए करो भाई, जो फर्स्ट टाइम बाइक ले रहे हो ना, फर्स्ट सर्विस है, तो एक मैकेनिक को टेस्ट राइड मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो बोला करो भाई एक बार बाइक की राइड लेके आ सर्विस करने के बाद, ताकि कोई कमी हो या फिर कुछ और दिक्कत हो तो उनको पकड़ में आ जाती चीज़ें। और अभी मैं वैसे ओमसाई टीवीएस पे आया हुआ था, काफ़ी सही एक्सपीरियंस है यार, ये इनका वर्कशॉप है और यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा है और सफाई से काम होते हैं, चीज़ बहुत बढ़िया लगी। काफ़ी कम से कम मुझे ऐसे सर्विस सेंटर देखने को मिलते हैं जिसमें इतनी साफ सफाई रहती है। अब यार सर्विस तो हो गई, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, बिल बनाने में दिक्कत आ रही बाइक, क्योंकि बाइक अभी राजस्थान में अवेलेबल नहीं है और ना ही अपडेट है इनके सॉफ्टवेयर के अंदर। एक सॉफ्टवेयर होता है टीवीएस का अपना, जिसमें आपको दिखा था मोबाइल के अंदर जॉब कार्ड बना रहे हैं वो डिजिटल, तो वो एक्चुअल में बन नहीं पाया था, तो बोल रहे थे थोड़ी देर में बनाएंगे थोड़ी देर में बनाएंगे, तो अभी सर्विस हो गई लेकिन अभी तक नहीं बना हुआ जॉब कार्ड। मेरे पास बाइक बाहर से आई थी, राजस्थान से मैंने नहीं लिया, और बाहर से आई है तो ये भी देख के एक बार चेक कर रहे थे बाइक में क्या क्या चीज़ें बदल दी गई है। कुछ लोगों को अभी पता लगा है कि नहीं अपाची 160 आ गई है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आई। तो मैं अभी आपको प्रॉपर बिल तो नहीं दिखा सकता, शायद मैं जब तक वीडियो अपलोड करूँगा तब तक मेरे पास ये डिजिटल बिल व्हाट्सअप पर या फिर मेल सेंड कर देंगे, तो मैं आपको वीडियो के अंदर डाल दूंगा, यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे होंगे ओरिजिनल बिल को। लेकिन अभी एक छोटा सा फॉर्मेट है, मतलब एक ब्लैंक पेपर पर मैं आपको ब्लैंक पेपर पर बिल बनवा रहा हूँ मैं उनसे, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कितनी कॉस्ट मुझे लगी फर्स्ट सर्विस में, तो अभी उससे काम चलाना पड़ेगा भाई। ये दिक्कत मेरे साथ रेडर के साथ भी आई, जो रेडर आई थी, रेडर भी पहली बाइक थी और वो भी सिस्टम में अपडेट नहीं हुई थी, और सिस्टम में अपडेट नहीं होने की वजह से बिल भी नहीं बन पा रहा था उसका। तो भाई ने ना ये बिल बना के दिया हमें, और ओरिजिनल बिल आ जाएगा एक से दो दिन में, मैं आपको यहाँ पे वीडियो के साइड में दिखा दूंगा। तो ऑयल है यहाँ पे 799 रुपये का, ऑयल फिल्टर है 45 रुपये का, और चैन का है 110 रुपये की कॉस्ट ल्यूब करने की, क्लीन करने की। तो 954 रुपये का बिल बना है ओमसाई टीवीएस में अपने। और सर्विस जो एक्सपीरियंस था भाई काफ़ी अच्छा था, अगर आप जयपुर के आसपास रहते हो तो कभी भी आ जाओ भाई, मोस्ट वेलकम है आपको, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा आपको सर्विस कराने का यहाँ पे ना। तो ये अपना बिल था बाइक का, बाइक एक छोटी सी इस चीज़ के लिए सॉरी कि ओरिजिनल बिल मैं आपकी आपको नहीं दिखा पाया, सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ उसकी वजह से। तो बस यही था इस वीडियो में, वीडियो अगर आप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम में अपने भाई को फॉलो कर लेना, और कुछ भी पूछना हो, कुछ क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने आपको दोबारा बोल दूँ, सर्विस कराने के बाद जो फर्स्ट टाइम सर्विस कराना भाई, एक उस एजेंसी के अंदर एक मैकेनिक से ज़रूर टेस्ट राइड दिवाना बाइक के, अच्छा मैकेनिक, तो कि ताकि वो बाइक को समझ ले और कुछ दिक्कत हो तो आपको बता दे। तो यही था वीडियो में, बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, जान को मस्त रहो और खुश रहो।